तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही है ऑटोमोटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन की, जिसमें हम एच जो यूनिट रहता है, ये जो यूनिट है ये टोटली प्लास्टिक का बना रहता है, तो उसका हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एक एक पार्ट का कैसे होता है ये स्टडी कर रहे हैं। ये गाड़ी के यह इस लोकेशन पर रहता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक एक पार्ट का कैसे डिज़ाइन करते हैं हम ये देख रहे हैं। मैंने कुछ लास्ट वीडियो में ये पाइप्स डिज़ाइन किए हैं, और ये फीचर मैंने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया है, जिसका ड्राफ्ट एनालिसिस पेंडिंग था, तो वो इस वीडियो में हम करेंगे। फिर हम मूव करेंगे, बैक साइड में एक फीचर है, एक बैक साइड में फीचर है, उसको हम डेवलप करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इसका डिज़ाइन, मतलब ड्राफ्ट एनालिसिस। तो ये वो पार्ट है। यह ऐसा यूनिट है, और ये वो फीचर है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में जीरो से डेवलप किया। तो आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि अगर कोई फीचर ना हो, और मतलब ये लॉकिंग फीचर है इस पाइप के लिए, ये पाइप का मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर मेरी सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए सीरीज़ देखिए प्लीज़, मतलब टोटल प्लेलिस्ट में जाके। तो इसको डेवलप किया, अभी इसका ड्राफ्ट एनालिसिस पेंडिंग था। तो अभी ये जो HVAC है, ये ऐसा अगर मैं व्यू रखता हूँ तो ये गाड़ी की किस पोजीशन में आएगा। सपोज ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, हम यहाँ पे स्टीयरिंग कंसिडर कर रहे हैं, और ये विंडो है गाड़ी का, मतलब विंडशील्ड, मतलब आगे का जो कांच रहता है वो वाला, आप इमेजिन कीजिए ये वाला कांच है। तो ये अंदर जो हमारा डैशबोर्ड, या तो डैशबोर्ड कहते हैं, उसके अंदर ये रहता है, फिर इसके वेंट्स रहते हैं ऐसे, एक ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड। ऐसे वेंट्स रहते हैं, कुछ फूड्स वेंट भी रहते हैं। ऐसे वेंट रहते हैं। तो आप, मेरे को कहना ये है कि ये हो गया पोजीशन इसका। तो हम अभी गाड़ी के फ्रंट पे देख रहे हैं। तो जो देखने की डायरेक्शन है हमारी, ये वाली, ये ऐसी। तो इसको हम एक्स में कहते हैं, इसको एक्स डायरेक्शन में कहते हैं। और जो गाड़ी का रोड से, ये गाड़ी का रोड है सपोज, ये वाला रोड, और ये रूफ है, रूफ है। तो हम बॉटम से टॉप में अगर देखते हैं तो उसको हम झेड में कंसिडर करते हैं। तो और जो ये ड्राइवर साइड है, और ये ड्राइवर साइड है, और ये पैसेंजर साइड है। तो इस लाइन को और इस डायरेक्शन को हम वाई में कंसिडर करते हैं। तो मेरे को अभी ड्राफ्ट एनालिसिस करना है। तो इस HVAC के इस पार्ट के लिए ये जो लाइन रहेगी, ये लाइन, तो ये वाई में रहेगी। ये जो लाइन रहेगी ये वाई में रहेगी, क्योंकि जो टॉप में रहता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, उसको झेड में कहते हैं। और फ्रॉम, ये तो फ्रंट हो गया। ये डायरेक्शन जो है ये फ्रंट हो गई, मतलब जो मैं अभी ग्रीन में दिखा रहा हूँ बड़ी सी, ये मतलब मतलब बैक से फ्रंट, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स। और जो ड्राइवर टू पैसेंजर रहता है उसको हम वाई कंसिडर करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाई को पैरेलल है। तो हम इस डायरेक्शन को वाई कंसिडर कर रहे हैं। तो यही मेरा इंटेंशन था कि जो ड्राफ्ट एनालिसिस करने है हमको इस फीचर का, तो इसकी जो टूलिंग डायरेक्शन है वो हम वाई कंसिडर कर रहे हैं। तो टूलिंग डायरेक्शन के लिए मैंने एक ज्योमेट्रिकल सेट रख दिया है। टूलिंग डायरेक्शन रखने के लिए ज्योमेट्रिकल सेट में एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ज्योमेट्रिकल सेट लीजिए, उसको टूलिंग डायरेक्शन का नाम दीजिए, और उसमें सिर्फ टूलिंग डायरेक्शन होनी चाहिए। और टूलिंग डायरेक्शन
अक्सर हमको कस्टमर से मिलती है, ओके अगर नहीं है तो हम उसको तैयार करते हैं। तैयार करने का एक मतलब एज्यूम करते हैं कि टूलिंग डायरेक्शन क्या है। सपोज़ इसकी टूलिंग डायरेक्शन मेरे को नहीं दी है, तो टूलिंग डायरेक्शन निकालने का जो कंसेप्ट है वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो अगर इसकी टूलिंग डायरेक्शन नहीं दी तो मैं इसकी ये वाली टूलिंग डायरेक्शन इस व्यू में देख रहा हूँ, ओके ये एक्चुअली ओरिएंटेशन मैंने लेते हुए रॉन्ग लिया है, तो इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, मेरे को ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर मैं इस व्यू में, आप जिस व्यू में अभी दिख रहे हैं देख रहे हैं, इसमें अगर इसको देखता हूँ तो ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसके इस साइड में कुछ तो है जो मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं ऐसा इसको देखता हूँ, ओके तो मेरे को मैक्सिमम कवर हो रहा है, ओके तो जिस व्यू में आपको पार्ट मैक्सिमम व्यू हो रहा है तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये उसकी टूलिंग डायरेक्शन, ओके तो ये उसकी टूलिंग डायरेक्शन हम एज्यूम करते हैं। तो अभी मैं इस व्यू में अगर इसको देखता हूँ तो ये मैक्सिमम मेरे को व्यू हो रहा है, तो इसलिए ये मेरी टूलिंग डायरेक्शन हो रही है जो वाई में, ओके अभी टूलिंग डायरेक्शन हमने फाइंड की। नेक्स्ट है ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ एनालिसिस को मैंने शो किया तो आप देखिए ग्राफ एनालिसिस का एक मतलब ये रहता है कि ग्राफ एनालिसिस का मैं इस टेक्निक मतलब इस फीचर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव ग्राफ एनालिसिस के बारे में है ना कि ये कमांड के बारे में। अगर ये फीचर ये कमांड आपको पता नहीं है ये क्या चीज़ है तो मैं सेपरेटली बनाऊंगा, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये आपको पता है, ओके तो सपोज ये ऐसे बाय डिफॉल्ट है, ओके मतलब ये जब आपने ले ली, ओके और मतलब आपने एक ड्राफ्ट एनालिसिस कमांड जैसे ऑन की तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या करना है, फर्स्ट केस में ये कंपास उठाना है और जो टूलिंग डायरेक्शन है उस पर रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ओके यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक मिनट सॉरी ये भी बाय डिफॉल्ट हो गया, ओके अभी ये जो कंपास है यहाँ से इस कंपास को फर्स्ट पिकअप करना है और इस कहीं पे तो रखना है, फिर आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये जो कलरिंग इसकी दिख रही है मतलब अभी ये कि कोई डिफॉल्ट डायरेक्शन में इसका ग्राफ एनालिसिस दिखा रहा है हमको, तो वो डायरेक्शन कहाँ कौन सी है ये वाली, इसलिए इस डायरेक्शन में वो अपनी ग्राफ एनालिसिस उसको दिखा रहा है। तो हमारा टूलिंग डायरेक्शन जो इसका ओरिएंटेशन है ऐसा नहीं है, हमारा ओरिएंटेशन ऐसा है, तो हम इसको कंपास को उठा के ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन का ये मतलब ये हमारा टूलिंग डायरेक्शन का प्रॉपरली ग्राफ एनालिसिस हो गया है, ओके तो कलर कोड का मेरे को बताना ये है कि जो ग्रीन है वो चेक कर रहा है 0.5 से ऊपर, मतलब इस व्यू में ग्रीन जितना भी दिख रहा है वो 0.5 से ऊपर है, ओके और जो रेड है वो नेगेटिव ड्राफ्ट है और जो ब्लू है यहाँ पे जीरो ड्राफ्ट है, ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो ड्राफ्ट दिखा रहा है ये वाला 0 डिग्री ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट क्या रहता है और क्यों हम देते हैं, ओके अभी इसको 0 ड्राफ्ट है, तो मैंने कुछ मोल्ड बनाए हैं यहाँ पे, ओके कट किए हुए हैं, तो फर्स्ट मैं उसको ओके ये मोल्ड है, एक्चुअली एक मोल्ड का रफ एक इमेजिनेशन करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। एक्चुअली कैसा रहता है, एक स्क्रू रहता है, ओके जिससे मोल्टन मटेरियल अंदर फ्लो होगा, ओके
ये इंजेक्शन मोड मतलब इसका ओरिएंटेशन ऐसा रहता है ओके, और जस्ट मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, एक स्क्रू ऐसा रहता है ओके, जिसमें से ये जो मोल्टन मटेरियल है वो अंदर आएगा ओके, इस डायरेक्शन में वो अंदर आएगा। और ये जो अभी पार्ट है इसमें ओके, इस पार्ट को मैं अगर हाइड कर देता हूँ, ये हो गया टूलिंग डायरेक्शन। मतलब मोल्ड में क्या क्या रहता है जस्ट पहले ये डिस्कस करते हैं। इसमें प्रू रहते हैं, फिर इजेक्टर पिंस रहते हैं ओके, इस पार्ट को इजेक्ट करने के लिए ओके ओके, फिर कूलिंग चैनल्स रहते हैं ओके। ऐसे कुछ कूलिंग चैनल रहेंगे ओके, इधर भी कुछ कूलिंग चैनल रहेंगे ओके। तो ये जस्ट मेरे को कंसेप्ट दिखाना है, ड्राफ्ट क्यों देते हैं और ड्राफ्ट एनालिसिस क्या रहता है ओके, बाकी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसका सेक्शन लेके आपको दिखाऊँ, ओके तो अभी ये ऐसा ओरिएंटेशन है उसका, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसा मूव होने वाला है। तो ये सिर्फ बाहर से है ओके, मतलब मैं एक को हाइड कर देता हूँ या तो इसको स्प्लिट को ऑन कर देता हूँ ओके। अभी देखो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अभी ये इस डायरेक्शन में मूव होगा तो इसको 5 डिग्री ड्राफ्ट है ओके, मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसको सेपलिंग कहते हैं, इससे वो सेपल आता है। और मेजर करने के लिए ड्राफ्ट कितना है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करिए, अभी यहाँ पे 5 डिग्री ड्राफ्ट है इसलिए ये ग्रीन फेस है। ऐसे कंडीशन में अगर ये हाफ मतलब जो मोल्ड है उसका हाफ अगर इस डायरेक्शन में मूव होता है ओके, तो जैसे वो मूव होने स्टार्ट होता है, मूव होने लगता है जैसे ये मूव होगा, तो देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट है, यहाँ पे 5 डिग्री ड्राफ्ट है, इसलिए जैसे जैसे ये मूव होगा एक मिनट, तो देखिए अभी जैसे ये मूव होगा ओके, अभी 2 mm मूव हुआ है ये, तो जैसे ये मूव होता जा रहा है वैसा गैप बढ़ेगा यहाँ पे। आप देखिए 3 4 5, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, यहाँ पे जैसे वो मूव होता है वो गैप बढ़ रहा है ओके। और एक कंडीशन ऐसी आती है, फर्स्ट मैं 0 से दिखाता हूँ आपको ओके, तो यहाँ पे अभी ये दोनों भी एक मेगा से टच है ओके, ये टोटली ये ऐसा टच में है यहाँ पे, ये ऐसा ओके। अगर इसको ड्राप नहीं होता, मतलब यहाँ पे ड्राप नहीं है ओके, जो ब्लू में दिखा रहा था पहले, और यहाँ पे ग्रीन में मतलब 5 डिग्री ड्राप, तो जैसे जैसे ये मूव होता है देखिए 3 mm, अभी 3 mm ये मोल्ड मूव हुआ है तो यहाँ पे गैप आया है, लेकिन यहाँ पे ड्राप नहीं है, तो मूव होने के बाद भी यहाँ पे गैप नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ऐसे में ये कितना भी पीछे जाए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने के बाद ये उसको खींच लेगा ओके, और यहाँ पे घिसेगा, मतलब यहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा एक काइंड का ओके, यहाँ पे प्रॉपरली सरफेस रफ सरफेस आ जाएगा, प्रॉपरली नहीं आएगा, फिर यहाँ पे वैक्यूम भी क्रिएट होगा यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे एयर को पास होने के लिए जगह ही नहीं था, से यहाँ से, यहाँ से एयर को पास होने के लिए कहीं पे जगह ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस एरिया में वैक्यूम क्रिएट होगा। ओके, तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगा अगेन। ओके, और ये फिर इसके साथ ही चिपका रहेगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट है, नेगेटिव प्रेशर, तो ऐसे में ये बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात, ये यहाँ पे ड्रॉप नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक रफ सर्फेसिस आएगी। ओके, प्रॉपरली मतलब प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने ड्रॉप दिया है। तो जैसे ही ये मूव हो रहा है तो यहाँ पे गैप देखिए, दो पार्ट के बीच में गैप आना शुरू हो चुका है। ये पार्ट है, मतलब ये है और ये है। ओके, तो ऐसे गैप बढ़ता जाता है ड्रॉप के कारण। ओके ओके, तो अगेन मैं इसको मूव करता हूँ, थोड़ा 6 mm मूव कर देता हूँ। ओके, तो अभी देखो और गैप बढ़ गया है, और यहाँ पे देखिए फिर भी यहाँ पे एयर पास होने के लिए जगह ही नहीं, मतलब ये इतना मूव हो ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकली। यहाँ पे इतना बड़ा वैक्यूम होने के बाद ये इतना बाहर जाएगा ही नहीं, ये यहीं पे रहेगा, मतलब ऐसे। ओके, या ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, इसका पोजीशन इतना बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि इसको एयर पास होने के लिए जगह यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और दूसरा यहाँ पे रब सर्फेसिस आएगी। ओके, तो ये जो सेपरेट ही नहीं हुआ पार्ट इस मोल्ड से, तो ये रहता है ड्राफ्ट देना। तो यहाँ पे 0 degree ड्राफ्ट है। ओके, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, इसको मत देखिए, इसको जस्ट कष्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे 5 degree ड्राफ्ट है। ओके, तो यहाँ पे ड्राफ्ट होने के कारण, यहाँ पे 5 degree ड्राफ्ट है ये वाला, यहाँ पे ड्राफ्ट होने के कारण ये मोल्ड से दूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 ड्राफ्ट है, इसलिए मोल्ड से दूर ही नहीं हो रहा है। और जो दो डिफेक्ट मैंने बोले वहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगी, ये तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और दूसरी बात ये मोल्ड से सेपरेट नहीं होगा, तीसरी बात यहाँ पे रफ जो सरफेस है वो आएंगे। ओके, तो ये रहता है ड्राफ्ट का रिक्वायरमेंट, तो मैंने जैसे बताया आपको। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको ड्राफ्ट दे देते हैं। अभी इसका 0 degree ड्राफ्ट है। ओके, इसका तो इसको हम ड्राफ्ट देते हैं 0.5 मिनिमम ड्राफ्ट। कोई भी प्लास्टिक पार्ट हो उसको मिनिमम ड्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, और मिनिमम ड्राफ्ट का रिक्वायरमेंट 0.5 रहता है। ओके, अभी इसको हम ड्राफ्ट दे देते हैं, फिर कैसे वो भी सेपरेट होता है वो हम देखते हैं। अभी बहुत जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मतलब इस लाइन को सिर्फ आप देखिए, मतलब ये जो पार्ट है ये, और ये जो लाइन मोल्ड का ये एज, ओके, मोल्ड के एज और पार्ट के ये एज। ओके, ये देखिए, तो ये कितना भी ऐसे मूव होगा ये टच में ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 ड्राफ्ट है, मैंने 0.5 भी ड्राफ्ट दे दिया। ओके, अभी ये 4 mm बाहर आया है, फिर भी ओके, ये अभी 6 mm बाहर है, देखिए। ओके, 6 mm बाहर, ये मोल्ड 6 mm नीचे है अभी, फिर भी ये टचिंग में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 ड्राफ्ट है, यहाँ पे दोनों जगह से टचिंग है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और मैं यहाँ पे 0.5 भी ड्राफ्ट देता हूँ, तो 6 mm मूव होने के बाद ये मोल्ड 6 mm नीचे, ऐसे नीचे जाने के बाद 6 mm कितना गैप आता है हम यहाँ पे देखेंगे। अभी 0 में टचिंग है। ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं अभी ड्राफ्ट, ताकि आपको पता चले कि ड्राफ्ट का इम्पोर्टेंस। यहाँ पे भी देखिए इस रिप को, दूसरे मोल्ड में ओपन करता हूँ।
इसको हाइड। इस रिब को भी देखिए, अभी मैं इसको अगर मूव करता हूँ, ओके ये हो गया क्लोज कंडीशन। अभी मैं जैसे ही ये मोल्ड 2 mm ऊपर जाएगा, ओके 2 mm ऊपर गया, तो यहाँ पे देखिए गैप आ चुका है, ये फेस और ये फेस, यहाँ पे 0.17 का गैप आ चुका है, ओके। लेकिन यहाँ पे वो टचिंग में है, ये देखिए यहाँ पे ये टचिंग में ही है 2 mm मूव होने के बाद मोल्ड। अभी हम मोल्ड को और मूव कर देते हैं, अभी 5 और 6 mm की दिए कर दिया मूव, तो यहाँ पे जो गैप है वो फर्स्ट में 0.17 था, यहाँ पे 0.5 तक आ गया, मतलब ये काफ़ी है एयर पास होने के लिए और पार्ट को सेपरेट करने के लिए। लेकिन इतना मूव होने के बाद भी यहाँ पे इस रिप को ड्रॉप नहीं है, ओके। तो ऐसे में तो इतना मूव होने के बाद भी ये जो है ये यहीं पे है, ओके, गैप नहीं आया है मोल्ड में। तो इसीलिए यहाँ पे इस एरिया में, मोल्ड के इस एरिया में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इस एरिया में वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये यहाँ पे ये मोल्ड, ये जो स्टील है, ये मोल्ड का स्टील जो मैं रेल से दिखा रहा हूँ, ये सरफेस और इसकी एज, ये जो एज है ये इस पार्ट को घिसती हुई जाएगी, ओके। तो ये ऐसे रफ सरफेस आएगा यहाँ पे, ओके, और स्टक भी होगा, तो ऐसे डिफेक्ट आते हैं अगर ड्राफ्ट नहीं है तो, इसलिए हम ड्राफ्ट देते हैं। अभी इसको भी 0 डिग्री ड्राफ्ट है, ओके, ये देखिए ब्लू में है, यहाँ पे 0 डिग्री ड्राफ्ट होने के कारण ये ऐसा है अभी, तो इसलिए हर चीज़ को ड्राफ्ट देना ज़रूरी है। तो अभी हम देते हैं इसको ड्राफ्ट 0.5, क्योंकि कोई भी प्लास्टिक पार्ट हो उसको कम से कम 0.5 का ड्राफ्ट हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये दो चीज़ें हमको, दो तीन चीज़ें स्टॉप करनी है, इसीलिए मतलब इसको ओवरकम करने के लिए, ये जो ड्रॉबैक्स है मोल्ड के, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम ड्राफ्ट देते हैं। तो अभी मैं इसको ड्राफ्ट दे देता हूँ, फिर क्या कंडीशन आता है वो हम देखते हैं। अभी मैं इसको 0.5 टूलिंग डायरेक्शन सेलेक्ट कीजिए ऑलवेज, ओके, यहाँ पे मैं 0.5 ड्राफ्ट दे देता हूँ, ओके। और इसको भी मैं ड्राफ्ट दे देता हूँ, इसको भी मैं 0.5 ड्राफ्ट दे देता हूँ, ओके। मैं जानबूझ के नेगेटिव ड्राफ्ट दे देता हूँ, ओके, उधर प्रॉपर दिया है, इधर मैं जानबूझ के नेगेटिव ड्राफ्ट दे रहा हूँ, ओके। ये नेगेटिव ड्राफ्ट क्या रहता है और इनप्रॉपर ड्राफ्ट क्या रहता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो अभी देखिए ओके, तो अभी देखिए इसके कलरिंग्स, पहले ये ब्लू था, ये ब्लू था और ये भी ब्लू था, ओके,
मैं इसको ये यहाँ पे डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो पहले ये भी ब्लू था और ये भी ब्लू थी, तो इसको दे दिया मैंने ड्राफ्ट। अभी तो ड्राफ्ट दिया, यहाँ पे भी दिया 0.5, यहाँ पे भी दिया, लेकिन पॉजिटिव ड्राफ्ट और निगेटिव ड्राफ्ट क्या रहता है वो अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हो गया मोल्ड 1/2। ओके, अभी इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर ड्राफ्ट दिया लेकिन यहाँ पे इनप्रॉपर ड्राफ्ट दिया। ओके, तो रॉन्ग ड्राफ्ट क्या रहता है ये दिखाता हूँ। अभी मैं इसको मूव कर देता हूँ। अब देखिए, 1, 2 नीचे जाएगा, एक्चुअली -1, -2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राफ्ट जो है ये प्रॉपर है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ड्राफ्ट प्रॉपर दिया है, इस रिप पे भी हमने प्रॉपर ड्राफ्ट दिया है, लेकिन इस फीचर को, ये जो लोकेटर है, इसको हमने इनप्रॉपर ड्राफ्ट दिया है, रॉन्ग ड्राफ्ट दिया है। तो रॉन्ग ड्राफ्ट देने के बाद वो मोल्ड में कैसा बिहेव करता है वो हम देख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस एज पे मैंने रॉन्ग ड्राफ्ट दे दी है, तो वो कैसे क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं ये देखिए आप। यहाँ पे जैसे ये मूव होता है, गैप आना चाहिए, यहाँ पे गैप आना चाहिए। ओके, इस पेज पे गैप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ड्राफ्ट देने के बाद ये देखिए क्लैश में जा रहा है, मतलब ये पार्ट उसमें ऐसा स्टक होगा कि निकलेगा ही नहीं नेगेटिव ड्राफ्ट देने के बाद, मतलब ये मोल्ड में मोल्ड के अंदर स्टक हो रहा है। मैं इसको 0 mm मूव करता हूँ और देखते हैं, तो ये प्रॉपर टचिंग में है इसके, ऐसा ही रहता है जब फिल होता है तब मोल्ड। ओके, और जैसे ही ये मूव होने लगता है, ओके, -1, तो आप देखिए यहाँ पे कैसा क्लैश में जा रहा है, -2, -3, -4, तो ये क्लैश बढ़ता ही जा रहा है। ओके, ये देखिए अभी, और ऐसा ही ये बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो ये इनप्रॉपर ड्रॉप देने के बाद ये मोल्ड में, ये है मोल्ड है हमारी। ओके, तो ये मोल्ड में स्टक हो रहा है, तो ये बिल्कुल निकलेगा नहीं बिल्कुल। ओके, तो ये रहता है निगेटिव ड्राफ्ट, और इसको हमने प्रॉपर ड्राफ्ट दिया है। ओके, मतलब करेक्ट ड्राफ्ट दिया है, इसको नीचे वाले को इनकरेक्ट ड्राफ्ट दिया था। तो अब देखिए, इसको मैं 0 पोजीशन पे लाता हूँ। ओके, तो ये फिल है अभी। ओके, मतलब फिल कंडीशन, क्लोज कंडीशन। जैसे ही ये मूव होने लगते हैं, ओके, 2 mm मूव हुई है, यहाँ पे गैप आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, 0.017, इतना भी गैप सफिशिएंट है एयर को पास होने के लिए। और जैसे जैसे ये मूव होगा, सिर्फ 2 mm, प्रैक्टिकली 2 mm ये मूव हो चुका है। ओके, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि 2 mm कितना छोटा रहता है। अगर ये 6 mm मूव हुआ है, 7 mm, तो गैप और बढ़ गया है, मतलब जैसे जैसे ये पार्ट मूव, मतलब मोल्ड से बाहर आएगा, या तो मोल्ड की मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो वैसे वैसे वो गैप बढ़ता जाता है, तो एयर पास होने के लिए। और यहाँ पे क्लैश का तो सवाल ही नहीं आता, तो ये सेपरेट होते हैं, ये जो पार्ट है ये मोल्ड है, और जो एज है ये एज से ये पार्ट दूर होते जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे कितना दूर हो रहा है, 3.5 से, और कितना सफिशिएंट है। अभी 0.5 ही क्यों, उससे कम क्यों नहीं, उससे कम हम 0.3 तक जाते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर के लिए, मतलब मोल्ड मैन्युफैक्चरर के लिए डिफ़िकल्ट है। और ज़्यादा क्यों नहीं, मतलब अगर ऐसा है, मतलब ये कंसेप्ट अगर है, तो इसको हम 5 mm ड्राफ्ट क्यों नहीं देते, 0.5 की। लेकिन मैं अगर इसको ज़्यादा ड्राफ्ट देता हूँ, तो इसका शेप कुछ ऐसा आएगा। ओके, ऐसा कुछ शेप आएगा। ओके, तो मेरा जियोमेट्री तो
ये था ना प्रॉपरली जो मेरे को रिक्वायर्ड एज अ प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो ज्योमेट्री रिक्वायरमेंट है वो आइडियली ये है जो मैंने ग्रीन में दिखाई है ये वाली। लेकिन ये मोल्ड या तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफिकल्ट या तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे को ये रेड में जो मैंने दिखाया है ये ड्राफ्ट देने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा ड्राफ्ट देता हूँ तो ये मेरे को फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मिसमैच या तो डिफरेंट हो रहा है, इसलिए हम कम से कम ड्राफ्ट देते हैं ताकि फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्टर्ब ना हो जाए और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी पॉसिबल रहे। इसलिए हमने एक क्राइटेरिया कंसिडर किया है कि 0.5 ड्राफ्ट, तो यही रीज़न है कि कम से कम 0.5 ड्राफ्ट हम देते हैं और ज़्यादा क्यों नहीं देते उसका रीज़न भी आपको मैंने बताया कि ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती है। ओके, तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये इतना बड़ा ये बनेगा, तो यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट इशू आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसको मैंने इतना ड्राफ्ट दिया है तो नीचे वाले लोकेटर को भी ड्राफ्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मटेरियल बहुत बढ़ गया है। ओके, मटेरियल बढ़ने से यहाँ पे सिंक मार आएगा, जिसके बाद ये मेरा फंक्शन ही प्रॉपर नहीं करेगा क्योंकि ये है लोकेटर। ओके, ये लोकेटर कहीं पे तो नेक्स्ट पार्ट में जाता है तो जाएगा ही नहीं। मैं यहाँ पे बड़ा ड्राफ्ट देता हूँ तो ओके, यहाँ पे इतना अगर ये बढ़ गया है, ये इतना मैंने ड्राफ्ट यहाँ पे उसको दे दिया है तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, दूसरा मेटिंग पार्ट जो रहेगा यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हमने ड्राफ्ट दे दिया, लेकिन कम से कम देना चाहिए ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट कम से कम 0.5 होता है, ज़्यादा दिया तो अच्छी बात है, इतना दीजिए कि फंक्शनली डिस्टर्ब ना हो और वो प्रॉपर हो। ज़्यादा ड्राफ्ट देना अच्छी बात रहती है। ओके, कम ड्राफ्ट देना थोड़ा ये रहता है, लेकिन कम कितना डिफाइन होना चाहिए, एटलीस्ट 0.5 से हमने देखा है, इसको 0.5 मैंने ड्राफ्ट दे दिया है तो एटलीस्ट एयर पास करने के लिए, मतलब यहाँ से एयर पास करने के लिए थोड़ी सी जगह देता है और पार्ट को डैमेज भी नहीं करती होता। ओके, इसलिए 0.5 सफिशियंट है। तो ये था ड्राफ्ट का कंसेप्ट, ये था निगेटिव ड्राफ्ट का कंसेप्ट, निगेटिव ड्राफ्ट से कैसे क्लैश में जाता है पार्ट, ये देखिए अभी भी क्लैश में है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ड्राफ्ट है। अभी हम देते हैं, इस मोल्ड को मैं हाइड कर देता हूँ, अभी हम प्रॉपर ड्राफ्ट दे देते हैं इसको ना, इसकी डायरेक्शन सिर्फ मैं रिवर्स कर देता हूँ। अभी कलर कोड देखिए, मतलब कलर कोड से आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसे रहते हैं कलर कोड जब ड्राफ्ट का इम्प्रॉपर हुआ है। तो कलर कोड का एक ये है कि अभी इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे कलर स्प्लिट हो रहा है, दो कलर डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस लाइन को हम कहते हैं पार्टिंग लाइन। ओके, और पार्टिंग लाइन के इनसाइड, ओके, ये जो पार्टिंग लाइन है इसके ये वाला पोर्शन टोटली रेड होना चाहिए, जितना भी इधर सब कुछ जो भी आएगा ये सारे पैरामीटर्स रेड होने चाहिए, और इस पार्टिंग लाइन के इस वाले डायरेक्शन में सारा पार्ट ग्रीन होना चाहिए, जो फीचर जो कुछ भी आएगा वो ग्रीन होना चाहिए। ये कलर कोड से हम एज्यूम करते हैं कि ये प्रॉपर है, मतलब इजीली विजुअल हो जाए। अभी यहाँ पे 0.5 का ड्राफ्ट दिया है तो इसलिए मतलब मेरे को मेजर करने की ज़रूरत नहीं, कलर से ही पता चल रहा है कि ये ड्राफ्ट दिया है। ओके, और यहाँ पे ब्लू पार्ट है, मतलब ब्लू दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ड्राफ्ट जीरो है, ये कलर से ही मेरे को पता चलता है, इसलिए कलर कोडिंग हम देते हैं। कलर कोडिंग से हम सिर्फ देखते हैं इसको ड्राफ्ट है या नहीं। ओके, तो इसको 0.5 ड्राफ्ट दिया है और यहाँ से स्प्लिट हो रहा है उसको हम कहते हैं पार्टिंग लाइन। ओके, तो इस पार्टिंग लाइन ये जो रहेगी, मैं पार्टिंग लाइन डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले हम टूलिंग डायरेक्शन करते हैं, उसका ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं, सारा प्रॉपरली ड्राफ्ट होने के बाद यहाँ पे इनप्रॉपर है, उसके बाद हम पार्टिंग लाइन पे जाते हैं। तो इसको मेरे को ड्राफ्ट देना पड़ेगा तब जाके
तब जाके ये टोटली ग्रीन होगा। ओके, और पार्टिंग लाइन, मैं पार्टिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पार्टिंग लाइन की एक रहता है सेम पैटर्न जैसे टूलिंग का रहता है। ओके, तो आप उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो हमको बनानी पड़ती है। तो सेम पार्टिंग लाइन का भी पैटर्न रहता है, आप उसको कलर दीजिए जो चाहिए वो, सेम कलर या डिफरेंट कलर, सेकंड सेकंड ऑप्शन। ओके, तो इसका ये पैटर्न रहता है जैसे टूलिंग का, टूलिंग डायरेक्शन का रहता है पैटर्न, सेम पार्टिंग लाइन का भी पैटर्न रहता है। तो अभी ये पार्टिंग लाइन के अंदर जो भी रहेगा, मतलब ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, ओके आप समझ रहे ना, ये इस पार्ट की इनसाइड है और ये इस पार्ट की ये आउटसाइड है, और इस पार्टिंग लाइन के इनसाइड जो भी रहेगा वो एक ड्राफ्ट में होना चाहिए और कलर में एक कलर में होना चाहिए। अगर ब्लू है, सॉरी ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है तो रेड, है तो रेड, ओके टोटली रेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये जीरो ड्राफ्ट है, जीरो ड्राफ्ट से मैंने बोला आपको कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसके लिए इसको भी हमको ड्राफ्ट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको 0.5 का ड्राफ्ट दे देता हूँ। अभी और कुछ है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे पहले देखिए आप कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि ये साइड, मतलब मैं अगर सेक्शन में ले लूँ, तो देखिए इस स्क्रू बॉस की दोनों भी, मतलब ये एज भी, ये एज भी और ये इनर एज भी, दोनों भी ब्लू है, मतलब जीरो ड्राफ्ट है। ओके, तो सिर्फ मैं बाहर से ड्राफ्ट दे दूँ और अंदर से, मतलब कैसा ड्राफ्ट का ओरिएंटेशन होना चाहिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक को ही ड्राफ्ट देता हूँ तो क्या होगा, और दूसरे को ड्राफ्ट दिया तो क्या होगा, ये मैं दिखाता हूँ। मतलब इनर साइड को, इस एज को मैंने ड्राफ्ट दिया तो क्या होता है, और इसको फर्स्ट मैं बाहर वाले को सिर्फ ड्राफ्ट देता हूँ तो वो मोल्ड कैसे बनेगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको 0.5 ड्राफ्ट दे दिया मैंने। ओके, तो आप देखिए ये टोटली एक ड्राफ्ट में आ गया है, मतलब टोटल ग्रीन टू ग्रीन और रेड टू रेड। ओके, तो इसका जो मोल्ड बनेगा तो ये भी कुछ इस टाइप बनेगा, देखिए इसका मोल्ड ऐसा कुछ बना है। ये देखिए, मतलब मोल्ड कैसा बनेगा, ऐसा ये कोर आएगा, कोर पिन टाइप। ओके, तो ये ऐसा जाएगा और दूसरे वाला जो है उसका ठीक है, एक जीरो में देखते हैं क्या होता है और बाद में मूव कंडीशन में क्या क्या रहता है। ओके, एक्चुअली जीरो में वो इतना टच है कि हम इसको वीज देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं उसको मूव कर देता हूँ 0.5।
5 और इसको भी माइनस 0.5। मैं तो दिख ही नहीं रहा जो टच में रहता है ना, तो ऐसा अभी देखो एक मिनट। यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। ओके, तो देखिए ये जो ग्रीन मोल्ड है यहाँ पे ऐसा बनेगा, वो ऐसा आके ये जो ग्रीन मैंने दिखाया है ऐसा इसका मोल्ड आएगा। तो क्लोरोफिल मतलब मेरे को कहना ये है कि इस ब्लू वाली की को अभी रेड अभी सॉरी अभी ग्रीन वाली की क्लोरोफिल ऐसी आई है। ओके, क्योंकि मैंने अंदर से ड्राफ्ट नहीं लिया। ओके ठीक है, हाँ तो बाहर का ड्राफ्ट दे दिया है। तो अंदर का ड्राफ्ट का कंसेप्ट यह है कि अगर हम ये जो येलो कलर का स्क्रू बॉस है उसको ड्राफ्ट ऐसे देते हैं, ओके ऐसे, तो ये ब्लू वाला ये जो पार्ट है ये ब्लू वाले का कोर पिन ऐसे आएगा। ओके, और ये इसको मैच करेगा यहाँ पे और ये ऐसे फिर मूव होगा। ओके, तो ऐसे ये मूव होगा बाकी रेस्ट। ओके, अगर मैंने इसको ऐसे ग्रीन में जो लाइन दिखाई है ऐसा ड्राप दिया तो ये ऐसे फ्लो होगा, लेकिन मैं अभी रिवर्स कर देता हूँ, मतलब जो रेड में है अगर मैं इसको ऐसा ड्राप देता हूँ थोड़ा, ओके ऐसा, ऐसा ड्राफ दे देता हूँ। ओके, ऐसा ड्राफ अगर देता हो तो ये जो ग्रीन वाली कोर है वो कैसी ऐसी फ्लो होगी और ये ऐसे यहाँ तक आएगी। ओके, और ऐसी फ्लो होगी वो। ओके, और रेस्ट। तो देखिए ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है, फिर ये जो आएगा ये ऐसा, ये तो फिर स्ट्रेट ही रहेगा। ओके, और ये ऐसा आएगा बाकी रेस्ट। ओके, जो है वो तो ऐसा मूवमेंट होता है, मतलब इनर के ड्राफ्ट पे डिपेंड करता है कि किसका एक कोर पिन आएगा। ओके, तो अभी ये पार्ट एक प्लेन में है तो किसी का भी आया कोर पिन तो ज़्यादा ये नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो ग्रीन आ रही है यही थोड़ा बेस्ट है। ओके, ये वाला ओके कंडीशन है, ऐसा मतलब ये नहीं है अगर नीचे से भी आता, मतलब नीचे अब अगर सपोज वन में क्या है कि अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो है ये स्मूथली आ रहा है। ओके, ऐसा, और ये यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, ये जो ग्रीन वाला है ये ऐसे मतलब टच कंडीशन में ऐसा आएगा। ओके, टच होगा। ओके, ऐसा फिर वो फील होगा मटेरियल और ये ऊपर जाएगा जैसे अभी ऊपर कंडीशन है। ओके, लेकिन अगर मतलब इसका ड्राफ्ट ऐसा है तो कैसा जो मैंने रेड में दिखा रहा हूँ, अगर इसका ड्राफ्ट ऐसा है तो ये ग्रीन कोर ऐसा जो दिख रहा है ऐसी कोर आएगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं नेक्स्ट कोर में, लेकिन अगर सेम इसका हम रिवर्स देते तो
सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था, फ़ोन आया था। तो अगर ऐसा कंडीशन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये ग्रीन वाली स्कोर ऐसे आएगी, तो नीचे वाला पार्ट को जो ब्लू पार्ट है ये वाला, ओके, इसको हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ आएगा टच होगा। लेकिन हम इसका रिवर्स कर देते हैं, अभी ये ऐसा ड्राप नहीं देते और रिवर्स ड्राप देते हैं, मतलब सिर्फ ड्राप रिवर्स ऐसा देते हैं। ऐसा ड्राप देते हैं तो ये जो कोर पिन आएगी ब्लू वाले में से आएगी, ये ऐसे कोर पिन आएगी, फिर तो पार्टिंग लाइन यहाँ पे आएगी, ये इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमको थोड़ा प्रोविजन करें, मतलब ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा प्रोविजन दिया है ना स्क्रू बॉस में, इसके लिए ये टच कंडीशन में, मतलब अभी ऊपर वाली क्लोज, मतलब ऊपर वाली मोड क्लोज कंडीशन में है, और हम दूसरी वाली की बात कर रहे थे जिसमें हमने ड्राफ्ट ऐसा दे दिया ऐसा, ओके, तो पार्टिंग लाइन यहाँ पे आएगी उस स्क्रू बॉस के इनर, जो हमने एक प्रोविजन दिया है एज अ गाइड, मतलब ओके। तो ये ग्रीन वाली जो कोर है वो ऐसा कुछ तो आएगा यहाँ पे, ओके, ऐसा एक स्टेप बनाना पड़ेगा। ओके, मैं इस स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, इस स्टेप की, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ तो प्रोट्रूजन देना पड़ेगा इस स्क्रीन वाले मोल्ड पे, और अगर रिवर्स देते तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं देना पड़ता है। ओके, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि इसका ड्राफ्ट कैसा आना चाहिए, ऐसा ऐसा आना चाहिए, ताकि नीचे वाले को फिर कुछ भी एडिशनल हमको मशीनिंग नहीं करनी पड़ती है, तो टूलिंग कॉस्ट उतना बच जाता है। तो ऐसा ड्राप देना बेस्ट रहेगा। ओके, तो सिर्फ ड्राप देना है, बाकी ड्राप का कंसेप्ट तो आपको पता चल गया है। ओके, निगेटिव ड्राप से कैसे क्लैश में जाता है पार्ट, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, और ड्राप नहीं है यहाँ पर भी निगेटिव, दोनों तरफ से निगेटिव दिया है, और ड्राप अभी कहाँ पर नहीं है, सारे जगह पे ड्राफ्ट दिया है, या एक्चुअली इनप्रॉपर, ये जो है इनप्रॉपर ड्राफ्ट है। ओके, क्लैश में जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है, तो ये भी तो ऐसा रहता है कोल्ड के उसका मोल्ड का जो रहता है वो। तो आई होप आपको ड्राफ्ट एनालिसिस और मोल्ड का कंसेप्ट पता चल गया है, और ड्राफ्ट का इनप्रॉपर प्रॉपर ड्राफ्ट दिया तो क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है, और इनप्रॉपर ड्राप दिया तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ये मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अभी तो नेक्स्ट वीडियो में ये जो पीछे वाला है फीचर, मतलब तो अभी हम यहाँ पे उस स्नैप है इस कोर को लॉक एक करने के लिए इसमें जाए, ये कवर भी हमको डिज़ाइन करनी है बाद में, लेकिन उससे पहले एक फीचर है। तो ये वो ब्रैकेट है अभी पाइप का, मतलब हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट था एक यहाँ का डिज़ाइन किया, ओके, और इसी की हमने स्टडी किया अभी डापने से जो करना था, अभी इसका पेंडिंग है। ओके, मतलब ये हम पहले डेवलप करेंगे फिर इसका डापने से करेंगे,
इसका डेफिनेशन करना थोड़ा, मतलब ये हाउसिंग के साथ है ना, तो थोड़ा टूल क्रिटिकल रहता है इसका। ओके, तो हम ये करेंगे, उसके बाद फीचर। तो वापस होते हैं हमारे पार्ट पे। तो अभी ये हमने डिस्कस किया उसका ड्राफ एनालिसिस, कैसे कैसे उसके ड्राफ देते हैं और ड्राफ के क्या इफेक्ट्स है। ओके, तो अभी हम कर देते हैं इस चीज़ को हाइड और इसको देते हैं प्रॉपर ड्राफ्ट। ओके, इसको कि वो प्रॉपर निकल जाए। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं और इसको ड्राफ्ट दे देते हैं। ओके, तो ये अभी ड्राफ्ट दिया है। अगर ये ग्रीन में आएगा टोटली, तो समझ लीजिए हमारा जो भी किया है वो प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। ओके, तो ये आ गया है ग्रीन में। और देखिए अभी इसकी मोल्ड कैसे है। अगर मैं इसका अगेन सेक्शन ले लेता हूँ, मैं तो इसको कट कर देता हूँ। ओके, तो इस पार्टिंग लाइन को मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐसा, मतलब देखियो अभी ग्रीन था, ग्रीन मतलब टोटली जो मैंने बोला है आपको। अभी इस ब्लू पार्ट को आप ध्यान मत दीजिए, कट सेक्शन है। इसलिए अभी देखो मैंने जैसे बोला था ये वाली, कि इसको मैं ऐसा ड्राफ्ट कर देता हूँ, मतलब दिया है हमने। ओके, तो ये कोर पिन बनेगी ऐसे वाली। ओके, तो ये प्रॉपर रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ओके, इसलिए हमने ऐसा ड्राफ्ट दिया है। ओके, तो ये ग्रीन हो गया है, मतलब इसको हमने इसी कोर में निकाला है। ओके, तो ऐसा ये रहता है। अभी ये एक पार्टिंग लाइन हो गई, ये वाली, ये मेन पार्टिंग लाइन, और यहाँ पे एक पार्टिंग लाइन, क्योंकि पार्टिंग लाइन को उसको कहते हैं जहाँ पे मोल्ड मैच होता है। ओके, मतलब टच होता है एक दूसरे को। तो ये अभी ओपन कंडीशन में है, अगर मैं क्लोज करूँगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, मतलब जहाँ पे ये कोल एक, मतलब टू हाफ जहाँ पे मेट होते हैं उस एज को हम पार्टिंग लाइन कहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ये वाले कोल पिन यहाँ पे मैच होगी ऐसे सर्कल पे। मैं क्लोज में दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके। ओके, तो ये ब्लू, मतलब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा पार्ट है। तो देखो जहाँ पे ये कोर कैविटी मैच हो रही है एक एज को, ओके, तो ये है वो एज। ओके, तो ये थ्रू आउट उस पार्ट के ऐसे मैच हो रहे हैं, और दूसरी कहाँ पे मैच हो रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जहाँ पे मैच हो रही है उस एज पे वो पार्टिंग आएगी, पार्टिंग लाइन आएगी। ओके, तो इसलिए उसको भी हमको ये देना पड़ेगा पार्टिंग लाइन। ओके, तो इस एज पे वो कोर कैविटी मैच हो रहे थे, तो इसको भी ऊपर, इसके भी ऊपर एक पार्टिंग लाइन हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, सेम उसका भी कुछ पैटर्न होना चाहिए। ओके, पार्टिंग लाइन का आप। ओके, तो ये हो गया अपना डिलीवरेबल पार्ट। मतलब अगर ये हमने इसका ड्राफ्ट एनालिसिस किया प्रॉपर टूलिंग में, इसको निकाला, इसका नेगेटिव ड्राफ्ट था, इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। ये जानबूझ कर नेगेटिव रखा था मैंने। ओके, इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव। ओके, अभी लगभग लगभग ये पार्ट
एक डिलीवरीबर हो गया है क्या नहीं, ये हमको लास्ट एक बार चेक करेंगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कहीं पे पेंडिंग है क्या, मतलब डिलीवरी करने से पहले, सबमिट करने से पहले प्रॉपर चेक कीजिए। देखो यहाँ पे ब्लू है, मतलब अगर मैं यहाँ के सफल कर देता हूँ तो यहाँ पे जीरो ड्राफ्ट है, तो यहाँ पे भी मेरे को ड्राफ्ट देना पड़ेगा, और ड्राफ्ट देने के बाद ये बन जाएगा अपना फाइनल डिलीवरीबर पार्ट। फिर यहाँ पे जीरो ड्राफ्ट है, ब्लू मतलब जीरो ड्राफ्ट। जीरो ड्राफ्ट से क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, तो मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, ड्राफ्ट दे देता हूँ उसको प्रॉपरली, करेक्ट ड्राफ्ट दे देता हूँ। इसको दे दिया था। तो उसको डाल बैठ गए, इसी में ये सर्कल भी मैं डाल देता हूँ। ओके, अगर अभी ये टोटल पार्ट सिर्फ रेड और ब्लैक सॉरी रेड और ग्रीन है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर पार्ट है अभी। ओके, तो अभी देखिए मैं डालने से हूँ, ओके डाइपेंसिस मोड पे, तो ये टोटली आइदर रेड है आइदर ग्रीन है। ओके, तो ये हमारा डिलीवरीबर पार्ट हो गया है। ओके, तो ये है इसकी टूलिंग डायरेक्शन और ये पार्ट जिसकी विथ पार्टिंग लाइन। ओके, तो ऐसे पार्ट हम डिलीवर कर देते हैं फाइनल पार्ट को। ओके, तो ऐसा पार्ट डिलीवरी होना चाहिए। तो आपको आई होप फाइनल पार्ट डिलीवरी भी पता चल गया है, और डाप के रिवर्स नेगेटिव देने से क्या होता है ये मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।